नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतिम सोमवारी को लेकर बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा शहर। डाक कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह लगाया गया शिविर। शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर सदर एसटीओ ने पैकरों के साथ की बैठक। कमेटी ने ताजिया रूट की दी जानकारी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर रेशम भवन में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुनकरों को किया गया सम्मानित। बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया एक्शन नहीं लेने का आरोप। और बारिश और सिंचाई की सुविधा के अभाव में नहीं हो पा रही है धान की रोपनी, किसान परेशान। अब खबरें विस्तार से। सावन माह की चौथी और अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को भागलपुर आरबीएसएस रोड, भीकनपुर, भोलानाथपुर, शीतला स्थान चौक समेत मिर्जान हाट, अलीगंज मार्ग पर डाक कांवरियों की भीड़ देखी गई। दरअसल भागलपुर के खजरपुर सीढ़ी घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर डुबकी लगाकर बाबा वासुकीनाथ धाम जाने वाले कांवरियों ने बोलबम का जयकारा लगाते हुए अपनी डाक यात्रा शुरू की, जिसको लेकर सड़कों पर कांवरियों का जन सैलाब और शिव भक्तों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान डाक बम कांवरियों की सेवा के लिए सड़क किनारे जगह जगह विभिन्न सेवा समितियों की ओर से जहाँ तेज चिलचिलाती धूप में राहत के लिए सड़कों को पानी से भिगाया गया, वहीं पेयजल, शरबत, फल, मिठाई और जरूरी दवा समेत कई तरह की सामग्रियों का वितरण किया गया। एक और जहां हर आयु वर्ग के पुरुष, महिला, युवक, युवतियों और बाल कांवरिया भगवा वस्त्र में भगवान शिव और बोलबम के रंग में रंगे दिखे, वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों के अलावा आम लोग भी शिव भक्तों के रेला को देखने सड़क किनारे जुटे रहे। हालांकि SM कॉलेज सीढ़ी गंगा घाट पर भागलपुर समेत विभिन्न जगहों से पहुंचे कांवरियों ने गंगा स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए वासुकीनाथ धाम समेत विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हो गए। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर पूरा भागलपुर शहर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से गुंजमान रहा। भागलपुर के कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा जल भरकर बाबा वासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सभी शिव भक्त कांवरियों की सुविधा के लिए कई संस्थानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कांवरियों के लिए कई विशेष व्यवस्था कर रखी थी। कांवरियों को राह में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर सेवा कार्य किए जा रहे थे। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को भागलपुर में एक शानदार नजारा भोलानाथ पुल के पास देखने को मिला, जहां पैदल यात्रा कर रहे कांवरियों की सुविधा के लिए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा सड़कों पर कई किलोमीटर तक मैट बिछाया गया था, जिस पर पैदल यात्रा कर रहे कांवरिया भगवान शिव को जलाभिषेक करने जाते दिखे। सेवा शिविर जो हमारे भागलपुर बरारी घाट से जो गंगा घाट से जो जल लेके बासुकीनाथ के लिए ये डाकबम सेवा जाते हैं, ये इनके लिए एक शिविर लगाया गया। साथ साथ पूरे शहरी क्षेत्र में एक मैट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये रोड रास्ता यहाँ का बहुत खराब था। कांवरिया को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हमारे युवा शक्ति संगठन की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। जगह जगह शिविर की व्यवस्था की गई, पानी जल की व्यवस्था की गई है, फल की व्यवस्था की गई है, मेडिसिन की व्यवस्था की गई है। पूरे यहाँ से बासुकीनाथ तक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। युवा शक्ति संगठन के द्वारा भागलपुर मिर्जावन हाट चितला चौक से भर बासुकीनाथ तक कांवरिया डाक सेवा के लिए आयोजन किया गया, जिसमें कांवरियों के लिए फल सेवा, केला, स्प्रे इत्यादि युवा शक्ति संगठन के टीम के द्वारा किया गया, जिसमें सौओं की संख्या में कार्यकर्ता कांवरिया डाक सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे युवा शक्ति संगठन के विजय यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। वहीं अंतिम सोमवारी पर डाक बम द्वारा जल चढ़ाने के लिए जाने वाले शिव भक्तों की सेवा रविवार को लोगों ने जगह जगह की। इसी कड़ी में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव की ओर से जगदीशपुर रोड में शिव भक्तों को सेवा प्रदान की गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कांवरियों को फल, फूल और जूस देकर बोलबम का जयकारा लगाया। पप्पू यादव ने
कहा कि डाक बम कांवरिया की महत्ता काफ़ी है और ये सभी कठिन साधना के बाद बाबा पर जलार्पण करते हैं। बाबा वासुकीनाथ जा रहे डाक बम कांवरियों को पप्पू यादव ने जगदीशपुर मार्ग में कई स्थान पर सेवा दी। उन्होंने कहा कि वे लगातार 30 वर्षों से वासुकीनाथ मार्ग में डाक बम कांवरियों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर आकाश, राजीव, छोटू यादव, अशोक साह, मुन्ना साह, मनोज यादव, विक्की यादव समेत कई लोग मौजूद थे। 30 साल से पूरा समिति की टीम 30 साल से डाक बम का सेवा कर रहे हैं। डाक बम के लिए ये बाबा भोलेनाथ को जड़ चढ़ाने के लिए बाबा बासुकीनाथ के घर जा रहे हैं। 30 साल से पूजा समिति डाक बम का सेवा करते आई है, करते रहेगी। भागलपुर में मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रविवार को रेकाबगंज में नौजवान कमेटी के बैनर तले बैठक हुई। बैठक में सदर एसडीओ धनंजय कुमार, तातारपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी, पैकर और शांति समिति से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि मुहर्रम में पैकरों का रूट महत्वपूर्ण होता है, जिसे नियंत्रित करने को लेकर कमेटी की पहल अच्छी है। उन्होंने जिला प्रशासन की तैयारी और विधि व्यवस्था की जानकारी भी दी। बैठक में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली और कार्यकारी संयोजक वर्दी खान ने पैकर के हुजूम और अखाड़ा जुलूस को लेकर चर्चा की। डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन ने पैकरों से निर्धारित रूट से ही फूल, चौकी और ताजिया ले जाने की अपील की। सह संयोजक तकी अहमद जावेद और महबूब आलम ने बताया कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का शिविर लालकोटी स्थित जैन धर्मशाला के समीप 9 अगस्त को लगेगा, जबकि प्रोफेसर एजाज अली रोच, मिंटू कलाकार, अन्नी खान, भोला खान, जियाउल हक और अन्य सदस्यों ने भी मोहल्ले के खलीफा से हुसैनी अखाड़ा निकालने की अपील की। बैठक में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आज रात्रि 10:30 में पैकर कोतवाली इमामबाड़ा से चौकी लेकर सराय किला घाट इमामबाड़ा जाएंगे और फिर वहां से कोतवाली इमामबाड़ा वापस हो जाएंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्यों को कोतवाली चौक के समीप मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी है। आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के द्वारा, जैसा आप लोग अवगत हैं कि पैकरों को लेके एक बैठक बुलाई गई है। आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम में खास करके विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो पैकरों का जो रूट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी जो पिछले वर्ष भी 2021 में कुछ समस्याएं आ गई थी, तो इस बार सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने ये डिसाइड किया कि एक बैठक करके एक सिलसिलेवार तरीके से उनसे बातचीत कर ली जाए, ताकि उनको भी आइडिया रहे कि कैसे उनको मूवमेंट करना है। चूँकि संख्या उनकी ज़्यादा होती है, तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और सौ समय सारा कार्य हो जाए, उसके लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। भागलपुर में जब कभी भी पहले मुहर्रम या और भी कोई हथियारबंद जुलूस निकलता था तो लोगों में खौफ का माहौल हुआ करता था, और वो खौफ अब दूर हो गया है, इसलिए कि भागलपुर के लोग जाग चुके हैं। चाहे कोई भी धर्मावलंबी क्यों ना हो, अब सभी जुलूस को शासन भी समेटने की कोशिश कर रहा है और जनता भी समेटने की कोशिश कर रही है। उसी में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भी यह कोशिश पिछले 11 साल से कर रही है, और इसी कड़ी में आज नौजवान कमेटी रकाबगंज ने पैकरों की एक बैठक बुलाई, ताकि उन्हें तैयार किया जा सके कि जो इमामबाड़ा से इमामबाड़ा जो दौड़ते हैं और तकरीबन वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 50 से 60 एक दिन में, तो रास्ते में जो हैं उनको कोई उनसे तकलीफ ना हो। अगर उनका यही ये है, उनका मानना है, उनका अकीदा है, उनका विश्वास है, तो वे अब उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं। हमारा मुल्क जो है सभी मजहब को बराबरी का दर्जा देता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन के चाहने वाले अलग अलग अंदाज में उन्हें याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुहर्रम की 7वीं तारीख पर भागलपुर के विभिन्न इमामबाड़ों पर निशान चढ़ाया गया। शहर के सराय मौलाना चक, हुसैनपुर, शाहजंगी, नरगा, बहरापुरा समेत कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इमाम हुसैन की याद में फातिहा पढ़ा गया। इस दौरान लोगों ने मन्नत भी मांगी। वहीं हुसैनपुर के समाजसेवी वसीफ खान उर्फ लल्लू ने बताया कि आज के दिन हम लोग इमामबाड़ा पर निशान का परचम बुलंद कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगते हैं। इधर पैकरों ने या हुसैन की सदाएं बुलंद की, जबकि कुछ जगह ढोल बाजे की गूंज भी सुनाई दी।
राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस को लेकर रविवार को भागलपुर समेत देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर के रेशम भवन परिसर में हस्तकरघा उद्योग के महत्व एवं आम तौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान सांसद अजय मंडल और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि हस्तकरघा उत्पादक जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को रोजगार मुहैया कराते हैं, वहीं यह पर्यावरण के भी अनुकूल होता है। साथ ही कहा गया कि स्वरोजगार के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर इस कार्य से जुड़े लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हस्तकरघा उद्योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए बेहतर कार्य करने वाले बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर काफी संख्या में हस्तकरघा के बुनकर समेत कई व्यवसाय से जुड़े लोग और उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर गांव में बदमाशों ने रविवार की सुबह 30 वर्षीय युवक मोहम्मद परवेज को चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लोदीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मोहम्मद परवेज को इलाज के लिए माइग्रेन अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि परवेज सुबह अपनी भतीजी को लेकर दुकान जा रहा था, तभी वहां पर पहले से घात लगाए हुए मोहम्मद राजा ने उसकी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मृतक का पहले भी मोहम्मद राजा से विवाद हो चुका था, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को भी दी गई थी, लेकिन लोदीपुर पुलिस ने मेल मिलाप की बात कहते हुए आरोपी मोहम्मद राजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और इसी कारण आज उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने कहा कि अगर स्थानीय थाना समय रहते शिकायत को गंभीरता से लेकर एक्शन लेती तो मोहम्मद परवेज की जान नहीं जाती। वह चोरी चमारी करता, फूट टूट के नशे में रहता है, ठीक है। रात को 2 बजे मेरे घर पे घुसा, मेरे चचेरे भाई के घर पे, मोबाइल और वो क्या बोलते 5000 रुपया चोरी किया। जब राजा करके नाम है, 9-7 का बेटा, जब उसको पकड़ा गया तो उस टाइम भी वो छुरी मारा, पेट में हल्का सा लगा था, 6-4 टाइप का, ठीक है। जा करके वहाँ थाने में रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करके आया, वो पुलिस वुलिस आया, वो खाली बस क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाया, चल दिया, रिपोर्ट बना के चल दिया। उसका बाप मैं बोलता हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम अपने बेटा को छुड़ाएंगे। माँ झगड़ा भी हम लोग से हुआ था घर पे, बोली तो उसकी माँ कि जो है ना घुसने नहीं देंगे घर में, लेकिन रात में सुला लिया घर पे, सुलाया तो सुबह में ये कांड हो गया। कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धान की रोपनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस खेतों के पास बांध या पोखर बना हुआ है, वैसे स्थानों पर किसानों द्वारा पंपिंग सेट लगाकर खेत में पानी की व्यवस्था की गई, जिससे समय रहते ही धान की रोपनी शुरू की जा सके। वहीं किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं होने और पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जबकि 2 दिन से आसमान में छाए काले बादल से एक उम्मीद भी जगी थी, लेकिन इसके बावजूद बारिश नहीं हो रही है। साथ ही किसानों ने कहा कि कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के अधिकांश खेत में डाला गया धान का बिचड़ा धूप से जलकर बर्बाद हो गया है, जबकि जिन किसानों ने बांध पोखर से पटवन कर धान के बिचड़े की सिंचाई की थी, उन किसानों ने फिलहाल धान की रोपनी शुरू कर दी है। साथ ही कहा कि सिंचाई की व्यवस्था के अभाव और बारिश नहीं होने के कारण काफी संख्या में किसान अब धान की रोपनी नहीं कर सकेंगे। कंदा है यहाँ बिहार में कत्ता खेती धान रोपनी हो रहा था बिहार में कत्ता जागरे का बा 10 बीघा 10 बीघा हो यानी कि पूरा बिहार अभी नहीं हो नहीं बिहार पानी है नहीं चाहिए थोड़ा मास्टरों को खदास खदास पटेल बन आता है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना
बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रविवार को भागलपुर में महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर में स्टेशन चौक से राजद, कांग्रेस, भाकपा माले सहित महागठबंधन के अन्य दलों के द्वारा मार्च निकाला गया, जो शहर भ्रमण करते हुए समाहरणालय में जाकर समाप्त हुआ। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार महंगाई, बाढ़, सूखा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और महागठबंधन के सभी दल इस मुद्दे पर लगातार सरकार के विरोध आंदोलन करते रहेंगे। इधर राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अगर सरकार इस ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर राजद के द्वारा पटना तक पैदल मार्च निकाल कर सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी को महंगाई के खिलाफ मेमोरेंडम भी सौंपा गया। मौके पर काफी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हरना महागठबंधन की ओर से बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, अग्निवीर योजना, ये सब जन विरोधी कार्यक्रम के विरोध में है। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करूंगा और तमाम जनता को जो है कहना चाहूंगा कि गरीब का मुख जो है और अंतिम जो है निवाला रोटी होता है। ये दो रोटी जो है और नमक लगा के जब गरीब जो है खा के चार गिलास पानी पी के सो जाता है, अब जो है वो दो रोटी पर भी लाले पड़ गया। इसलिए कि जो है आटा जो है से रोटी बनती है उसमें जीएसटी लग गया, अब जो है नमक है उसमें जीएसटी लग गया, दही में जीएसटी लग गया, तो जनता त्राहिमाम में है। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर पंचायत रशीदपुर गांव वरिया पोखर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान जमालपुर निवासी स्वर्गीय गोपाल प्रसाद सिन्हा के पुत्र राजेश कुमार सिन्हा के रूप में हुई है, जो रशीदपुर गांव के बहरिया पोखर की रखवाली करता था। वहीं घटना को लेकर मुखिया प्रतिनिधि राहुल कुमार ने बताया कि रशीदपुर गांव के पोखर में युवक राजेश कुमार सिन्हा के डूबने की सूचना के बाद ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। इधर इस घटना की जानकारी बाद थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। भागलपुर एसएसपी बाबूराम शनिवार को जगदीशपुर थाना पहुंचे, जहां एसएसपी ने जगदीशपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले जगदीशपुर थाने में जमीन संबंधित विवादों के निष्पादन करने का निर्देश देते हुए खुद भी थाना में आयोजित जनता दरबार में लोगों की जमीन संबंधित समस्याओं को सुना। वहीं कई मामलों में केवल एक पक्ष के लोगों के पहुंचने के कारण मामले का निष्पादन नहीं हो सका, जबकि एसएसपी ने दूसरे पक्ष के लोगों को जनता दरबार में शामिल नहीं होने पर नोटिस देकर बुलाने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर नोटिस देने के बाद भी दूसरा पक्ष जनता दरबार में नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में देर रात ठेला चालक मोहम्मद असलम की कला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि रात में घर के सभी सदस्य सोए हुए थे, जबकि मोहम्मद असलम भी बरामदे पर अपने पोते के साथ सोए हुए थे। तभी किसी तेज धारदार हथियार से किसी ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। वहीं देर रात ही जब परिजन कमरे से बाहर निकले तो असलम को मृत पाया। साथ ही परिजनों ने कहा कि उन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हत्या का कोई कारण भी
भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। कोई भाई घर में नहीं थे, ठीक है। एक बजे थे रात, हम लोग गाड़ी चला कर आए 10 बजे रात में, तो खाना पीना खा के सो गए, पापा भी उधर जाके सो गए, ठीक है। एक बजे रात, उसके बाद हम लोग सो गए। उधर से मेरा भतीजा दौड़ते हुए आया, दादा को मार दिया, दादा को मार दिया। अब एक बजे रात में किधर गया नहीं किया, खोने तो नहीं मिला। तो वो भतीजा बताया वो कि कितना लोग था मारने वाला? अरे जेराबला। भागलपुर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कुछ दिन पूर्व भागलपुर के मेयर सीमा शाह के घर भीषण चोरी की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका। जबकि इसके बाद भी शहर में फिर से बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छटपट्टी पोखर निवासी मिथिलेश कुमार सिन्हा के घर में बीते 31 जुलाई की रात को चोरों ने चोरी कर ली, जिसकी जानकारी मिथिलेश कुमार को 1 अगस्त को अपने घर पहुंचने पर मिली। घटना को लेकर मिथिलेश कुमार ने कहा कि उसके दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। जबकि घर के अंदर जाने पर अलमारी और लॉकर भी टूटा हुआ था। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि इस चोरी की वारदात कैश समेत करीब 10 लाख की राशि की संपत्ति चोरों ने उड़ा ली। वहीं घटना से आहत मिथिलेश कुमार ने पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ मुजाहिदपुर थाना को लिखित आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की छानबीन शुरू की। इधर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में रात के करीब 1 बजे मोहल्ले में कई व्यक्तियों को आते जाते देखा जा रहा है, लेकिन संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि मुजाहिदपुर थाना को सूचना देने से कई दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं इसको लेकर पीड़ित मिथिलेश कुमार ने रविवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात को लिखित आवेदन देकर दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सिटी एसपी ने पीड़ित परिवार को इस मामले में जल्द ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सिटी एसपी भागलपुर आए थे आवेदन देने के लिए, मेरे घर में चोरी हुई है। कब हुई थी? ये हुआ 1/8/22 को रात को। हम जब आए 11:30 बजे तो हम देखे हमारे गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था, मेन गेट का कुंडी टूटा हुआ था, और मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था। गोल्ड का सारा पैकेज जो था वो सारा पड़ा हुआ था। लॉकर का गेट टूटा हुआ था, लॉकर का लॉक टूटा हुआ था। दोनों लॉकर में सामान था, सारा निकाल के लेके चला गया। बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का उद्घाटन शनिवार को भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में किया गया, जिसमें बिहार के 33 जिले से पुरुष एवं महिला वर्ग के जूनियर एवं सीनियर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत भागलपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय चैंपियनशिप का शुभारंभ समाजसेवी कुणाल सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, शिव कुमार वर्मा, सर्राफा व्यवसायी जितेंद्र वर्मा समेत एसोसिएशन से जुड़े कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसको लेकर समाजसेवी कुणाल सिंह ने कहा कि भागलपुर में पहली बार पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जबकि बिहार पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से यह 23वां आयोजन है, जिसमें राज्य के 33 जिलों के खिलाड़ी भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं IME के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों ने कहा कि इस तरह से खेल कूद की गतिविधियों को जिले में बढ़ावा देने से खेल के साथ खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच मिलता है। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सितंबर माह में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकेंगे। मौके पर एसोसिएशन के सदस्य और खिलाड़ी के साथ खेल प्रेमी मौजूद रहे। बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता रखी गई है। पूरे बिहार से यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं, लगभग 33 जिले के खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज भी और कल भी 2 दिन कार्यक्रम होना है, कल समापन इस कार्यक्रम का, और ये भागलपुर में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। ये 23वां बिहार का है और पहला भागलपुर में ये आयोजन हो रहा है। यहाँ जो बच्चे जीतेंगे डायरेक्ट नेशनल खेलेंगे पावर लिफ्ट में, जो कि 16-17 सितंबर को वहाँ भाग लेंगे। पटना से ज्यूरी टीम आ चुकी है, पटना से जजेस आ चुके हैं, फेडरेशन के सारे लोग हैं यहाँ पे, इनके जितने एसोसिएशन के लोग हैं सारे, पटना से पूरी टीम आ चुकी है। पहली दफ़ा भागलपुर में आयोजित हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है 2 दिन का। इसमें हमारे बच्चे अच्छा करें और आप लोग के माध्यम से भी लोग जानें कि एक अच्छी प्रतियोगिता है और एक अच्छा खेल है जिसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो हैं इस तरह के खेलों में भाग लें, यही हम लोग चाहते हैं। भागलपुर का नाम हो, बिहार का नाम हो, देश का नाम हो।
और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतिम सोमवारी को लेकर बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा शहर। डाक कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह लगाया गया शिविर। शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर सदर एसटीओ ने पैकरों के साथ की बैठक। कमेटी ने ताजिया रूट की दी जानकारी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर रेशम भवन में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुनकरों को किया गया सम्मानित। बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया एक्शन नहीं लेने का आरोप। और बारिश और सिंचाई की सुविधा के अभाव में नहीं हो पा रही है धान की रोपनी। किसान परेशान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।